Good evening, friends. My name is Bella Gagne. We have a unique opportunity tonight to be in the presence of and to hear the melodious bhajans from the greatest modern time singer of devotional songs. I am very pleased that Sri Puroshottam Das Jalota Ji is amongst us today. Trained by Master Ratan in Punjab in the traditional Bhartiya Sangeet, he not only creates beautiful melodies, but has devoted his voice, his talent, and his life in this unique way in the service of the Lord. It is indeed an honor to have him amongst us. We are here to have the pleasure of hearing the most beautiful way of praising the Lord with music and song. He is gracious to have accepted such short notice request to perform for us today. Accompanying him is Sri Deepak Gundnani on tabla and Mrs. Pramila Bhatia in singing. He deserves our heartfelt gratitude and respect for accompanying Sri Puroshottam Das Jalota on the tabla. Mr. Niranjan Shah, one of the selfless stalwarts of our community, has done it again. Today he brings to us Swami Jinananda Ji, who has come to the Vedanta Society. I now request my mother to present a token of love to the Jalota family and to Swami Ji. श्रीमती पुष्पा शाह
अभी चार सप्ताह पूर्व ही दिवंगत हो गई है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर की शांति करें और अपने मन के अंदर अपने अपने इष्ट देवता से ये प्रार्थना करें कि उनको उनकी आत्मा को शांति। Oh,
शुद्ध कल्याण पर आधारित ये पद है। Yeah.
वो संगीत का कार्यक्रम आरंभ हुआ और जो वो गायिका थी, जहाँ वो गा रही थी, सामने ही स्वामी जी का कमरा था, उसकी आवाज़ पहुँच सकती थी वहाँ, और गायिका ने वो भजन शुरू किया, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना कर। ये भजन सूरदास जी का है, कितना सुंदर भजन है, कैसी नम्र निवेदन उसने किया है सूरदास जी ने भगवान से कि कोई उसका उत्तर ही नहीं दे सकता। कहा स्वामी जी, प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धर, समदर्शी है नाम की हार, चाहे तो पार कर, आप तो समदर्शी हैं, और जब मैं आपके चरणों तक आ गया हूं तो फिर आप मुझे अपने से दूर ये समझ के क्यों करते हैं कि मैं पापी हूं, मैं बुरा आदमी हूं। अरे आप तो सबको एक समान समझने वाले हैं। एग्जाम्पल दिया कि देखिए, गंगा नदी वो कभी ये कहती है कि मेरे अंदर अच्छी अच्छी नदियां ही समाए और गटर का पानी मेरे अंदर ना समाए। उसके अंदर तो गंदा पानी समा जाता है, अच्छी नदी समा जाती है, सबको अपने अंदर मिला करके वो गंगा ही बना देती है, फिर वो गंगा के नाम से ही आगे बहने लगता है वो गंदा पानी। तो हे प्रभु, मैं उस गटर के पानी के समान से, लेकिन आप तो गंगा है, आप इतना भेदभाव क्यों करते? पारस पत्थर का एग्जाम्पल दिया कि पारस पत्थर जो होता है वो कभी ये भेद नहीं करता कि ये लोहे का टुकड़ा कहाँ से आया, क्या किसी खसाई के घर से आया है या किसी पूजा की थाली में से आया है, वो तो अपना स्पर्श देकर के सबको ही सोना बना देता है। तो मैं वो गंदा लोहा ही सही जो कसाई के घर का होता है, परंतु आप तो पारस हैं, आप भेदभाव क्यों करते, अपना स्पर्श देकर के मुझे कंचन ही बना देते। आप ब्रह्म, मैं जीव, आपका ही तो एक अंश हूं भगवान, और ये क्या झगड़ा है कि एक सूरदास और एक श्याम, श्याम ब्रह्म और सूरदास जीव। तो अब तो आप मुझे पार उतारिए ही, और अगर आपने पार न उतारा तो आपकी महानता नहीं रहेगी, आपका ये पन टल जाएगा। कौन सा पन? कि समदर्शी है नाम की आ, चाहे तो पार। उस गायिका ने जब ये पद गाया, स्वामी ने सुना, तो स्वामी जी को एकदम मन में विचार आया कि ओहो, मेरे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है, इतना अहंकार, और वो कह रही है कि आप तो पारस हैं, आप तो गंगा हैं, और मेरे अंदर ये इतना भेदभाव क्यों मेरे प्रति कर रहे हैं, मेरे गुणों का ख्याल करके। फिर क्या था, स्वामी जी तुरंत अपने स्थान से उठे और गए और उस गायिका के चरणों में पड़ गए और उनके पैर छुए, कहा कि माँ मुझे तुम क्षमा करना, और फिर तो उस गायिका ने संन्यास ले लिया था। इस प्रकार से कभी कोई बात किसी का जीवन बदल देती है। मैं वो पद प्रस्तुत करता हूँ पर आधारित के पद है। Oh,
Ah,
Thank you.
पहले हम आपकी सेवा में एक शब्द प्रस्तुत करेंगे, वाणी गुरु नानक की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब से ये पद लिया गया है, शब्द राग माल खास। कहते हैं जंगलों में ढूंढने के लिए क्यों जाते हो? सर्वनिवासी वो तो सब जगह निवास करता है, सदा अलेपा मगर अलिप्त रहता है। और तो ही संग समाय, तुम्हारे साथ भी समाया हुआ है, उसको पहचान। काहे रे मन खोजिन जाए, वो कैसे तुम्हारे अंदर बसता है? जैसे पुहक मध्य जो बास बसत है, पुष्प के अंदर जैसे सुगंधी रहती, मुकर माह जैसे छाई, मिरर शीशा उसके अंदर जैसे परछाई होती है, तैसे ही हरि बसे निरंतर। ऐसे ही भगवान तुम्हारे अंदर बसते हैं। घट ही खोजो भाई, अपने अंदर ही उसको ढूंढो भाई। बाहर भीतर एक ही जान, जो बाहर है वही तुम्हारे अंदर है, उसको एक ही समझो। ये गुरु ज्ञान बताए, गुरु ने ये ज्ञान बताया है, जन नानक बिन आपा चीन्हे। गुरु नानक कहते हैं अपने को पहचाने बिना मिटे ना भ्रम की काई। ये जो काई हमारे हृदय के ऊपर लगी हुई है, काई समझते होंगे लीड, जो फिसलन हो जाती है, वो जब तक अपने आप को तुम नहीं पहचानोगे और शंकाओं को दूर नहीं करोगे, शंका रूपी इस काई को नहीं खुर्च के फेंक दोगे, तब तक तुमको ईश्वर नहीं मिलेगा। बाहर चाहे कितना भटकते रहो, ढूंढना अपने ही अंदर पड़ेगा। ये जाए।
Thank you.
Thank you.